नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे जियो के टॉप 5 मोबाइल है। गाइस बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जियो का टॉप 5 मोबाइल दिखाएं, यानी कि जियो का फोन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 5 मोबाइल है, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सारे फीचर्स और ऑफर के साथ में मोबाइल दिखाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फोन है, जियो का ग्रीन बॉक्स है, जिसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूँगा तो आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वाईफाई, वीडियो कॉलिंग सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ऐसे आज हमारे पास 5 फोन आए हुए हैं, 5ों को मैं अनबॉक्स करूंगा और ऑफर के साथ में बताऊंगा इसके अंदर क्या कुछ आपको ऑफर मिलेगा। 1 साल और 2 साल का फ्री रिचार्ज कैसे एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑफर वाले मोबाइल अवेलेबल हैं। तो गाइस इन फोनों को करेंगे अनबॉक्स। अगर इनमें से कोई सा भी फोन आपको पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। गाइस मैंने फोन को कुछ इस तरीके से लगा रखा, तो मैं अब आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाऊंगा क्या कुछ हमें ऑफर मिल जाता है। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जियो का ग्रीन बॉक्स कैसे बुक करते हैं और कैसे इसमें ऑफर एक्टिवेट करते हैं, ये जानकारी जरूर दें। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 5 जियो फोन आ चुके हैं, और अगर आपको अच्छा लगे कीपैड फोन तो इसमें से कोई सा भी फोन आप बुक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। इससे पहले आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे कौन सा फोन सबसे बेस्ट है। गाइस तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके आपको पहले फोन दिखाते हैं और फिर आपको ऑफर के साथ में आपको बताएंगे कि इसमें हमें व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वाईफाई, वीडियो कॉलिंग कौन से फोन में हमें अवेलेबल मिल जाता है। तो चलिए गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहे हैं जियो का भारत फोन आया हुआ है। इसका बॉक्स मैंने पूरा ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं फोन कुछ इस तरीके की पैकिंग में यहाँ पे मिल जाता है। तो आप दूसरा फोन भी एक साथ दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा फोन सबसे बेहतर है। गाइस ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिखाते हैं, जिसका मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो F320B मॉडल नंबर है। और ये आपको मॉडल कैसा दिखता है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मॉडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दिख जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तीसरा मॉडल है जियो फॉर ग्रीन बॉक्स। गाइस यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जियो का ग्रीन बॉक्स जरूर दिखाएं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फोन भी दिखाएंगे, फीचर्स भी दिखाएंगे और आपको 1 साल और 2 साल का फ्री रिचार्ज कैसे एक्टिवेट करते हैं ये भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो का ग्रीन बॉक्स है और आपको इसमें जो पैकिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके की पैकिंग है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जियो का ग्रीन बॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं 2.4 इंच की डिस्प्ले के साथ में, जिसके अंदर आपको फ्रंट और बैक में कैमरा मिलेगा और आपको वीडियो कॉलिंग करने का भी ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। 2.4 इंच की डिस्प्ले में कीपैड में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के साइड में एक टॉर्च मिल जाती है और नीचे से बात करेंगे तो एक V8 का चार्जर मिल जाता है और 3.5mm का ऑडियो जैक हमें मिल जाता है। और आपको मैं इसमें सब कुछ डाल के सिम डाल के एक बार दिखाऊंगा, इसमें हमें सिम डाल के भी दिखाना है और आपको इसमें और आपको फीचर्स भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिम एक मेमोरी कार्ड डालना है और यहाँ पे 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। और मॉडल की बात करेंगे तो F220B मॉडल नंबर है, ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखा, 1 mAh नंबर दिया हुआ है। गाइस तो चलिए इसमें एक बार बैटरी डाल देते हैं और आपको जल्दी से दिखाते हैं। इसमें बैटरी डालने से पहले मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे 2 फोन और भी हैं, उनको भी मैं एक बार आपको यहाँ से दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं फ़ोन कुछ इस तरीके से ये वाला है, F220B मॉडल नंबर ये भी है और यहाँ पे एक दिखा देता हूँ F90M। तो गाइस यहाँ सबसे पहले वाले जो फ़ोन है, तो गाइस इस फ़ोन में बैटरी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, हमारे पास यहाँ पे ओल्ड फ़ोन है जिसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, ये फ़ोन में मैंने बैटरी डाल दी है, पुराना वाला फ़ोन है, और मैं आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ अगर हमें जियो का ग्रीन बॉक्स समझ में आता है कि इसके अंदर सारे फीचर्स हैं या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे नया फ़ोन आया हुआ है, जैसे कि ग्रीन बॉक्स है और हम पुराने फ़ोन से इसे कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको ग्रीन बॉक्स में एक बार सिम डालते हैं और आपको दिखाते हैं, सिम डालेंगे और बैटरी भी डालेंगे और ऑफर भी बताएंगे और क्या क्या हमें इसमें फीचर्स मिल जाते हैं वो भी दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस फ़ोन में बैटरी डालने से पहले हमें देख लेते हैं कि बैटरी जो हमें मिल जाती है वो 2000mAh की बैटरी मिलती है, एक हमें चार्जर मिल जाता है और 1 साल की वारंटी कार्ड मिल जाता है। गाइस चलिए हम एक बार बैटरी डालते हैं और इसे कंपेयर भी करके दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है और कौन से में सबसे ज़्यादा फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ओल्ड फ़ोन में बैटरी डाल दी जिसमें हमें सारे फीचर्स अवेलेबल है, अब हम आपको नए फ़ोन में बैटरी डाल के दिखाएंगे जिसमें हमें पता चले क्या क्या हमें फीचर्स इसमें मिल जाते हैं और क्या क्या इसमें हमें 1 साल और 2 साल का फ्री रिचार्ज कैसे एक्टिवेट करते हैं। गाइस ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ये फ़ोन को चालू कर रहे हैं और ये चालू करके आपको दिखाएंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूँ, अगर आप जियो का भारत फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जियो का V1 4G नाम से फ़ोन आता है और 1299 रुपये का फ़ोन है, 4 महीने का फ्री ऑफर रिचार्ज मिलेगा। और फ़ोन की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, 2.4 इंच की डिस्प्ले के साथ में 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और यहाँ
यहाँ पे जियो भारत लिखा हुआ है और कीपैड में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती गाइस। यहाँ पे ऊपर के साइड एक टॉर्च मिल जाती है और नीचे के साइड में एक हमें यहाँ पे LG 3500 का चार्जर मिलेगा और 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा और पीछे के साइड में एक कैमरा और एक स्पीकर मिलेगा, जियो लिखा हुआ नजर आएगा। तो गाइस अगर आप जियो का नया फ़ोन लेना चाहते हैं भारत वाला, तो इसमें आप पुरानी जियो की सिम डालेंगे और 123 रुपये के रिचार्ज पर इसे आप फ़ोन को एक्टिवेट कर सकते हैं गाइस। अपनी पुरानी सिम में भी आप 123 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तो ये फ़ोन आपको चल पड़ेगा, और अगर नया लेंगे तो आपको 1299 रुपये का फ़ोन है, नया फ़ोन आपको 1299 रुपये का है और आपको 4 महीने का जो रिचार्ज है वो आपको 234 के FRC रिचार्ज कराना होगा गाइस, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जियो का ग्रीन बॉक्स है, चालू हो चुका है। अब मैं आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना फ़ोन है और ये जियो का ग्रीन बॉक्स है, और आपको मैं और भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जियो का ब्लू बॉक्स भी है और यहाँ पे जियो का भारत फ़ोन मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे जियो का ये नया फ़ोन एक और मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए इसको एक बार यहाँ से पहले पुराना फ़ोन आपको दिखाते हैं। पुराने फ़ोन में हमें व्हाट्सअप मिलता है, जियो TV मिलता है और यहाँ पे प्ले स्टोर की जगह जियो स्टोर मिलता है, फेसबुक चला सकते हैं और यहाँ पे हमें वीडियो कॉलिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट बैक में हमें कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर हमें जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सावन, ये सारी चीज़ें हमें पुराने फ़ोन में मिलती हैं। और रिचार्ज की अगर बात करूँगा तो पुराने फ़ोन में 91 और 75 का रिचार्ज चल जाता है गाइस, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो नया फ़ोन आपको दिख रहा है जियो का ग्रीन बॉक्स, ये फ़ोन अवेलेबल है, इसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको मैं दिखाऊँगा, पुराने फ़ोन में हमें वाईफाई भी मिलता है और यहाँ पे हॉटस्पॉट की सुविधा नहीं मिलती है पुराने फ़ोन में, ब्लूटूथ और डेटा ऑन ऑफ करने का फीचर्स मिल जाता है। और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे नए फ़ोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये सारे फीचर्स आपको दिखाए पुराने फ़ोन के, इसी तरीके से आप नए फ़ोन में देख सकते हैं। हमें यहाँ पे जियो TV है और व्हाट्सअप मिल जाता है, आप यहाँ पे चला भी सकते हैं नॉर्मल। आप इस तरीके से अगर व्हाट्सअप चलाना है तो इसको ओके करेंगे, अगर ये अनइंस्टॉल हो जाता है किसी कारणवश तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर की जगह जियो स्टोर दिया, यहाँ पे जाके आप इसको फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके का ये फ़ोन है, इसमें हमें देखो यहाँ पे फेसबुक है, यूट्यूब भी मिल जाता है, जियो TV, जियो सिनेमा मिल जाता है, फेसबुक चलाना तो आप फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें फेसबुक के साथ साथ में आपको यहाँ पे जियो TV और जियो सिनेमा, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में मिलेंगी। आप देख सकते हैं इसमें जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सावन और इसमें लाइव क्रिकेट वगैरह देख सकते हैं। अगर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप फ्रंट में आपको कैमरा मिलेगा, वीडियो कॉलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। और रिचार्ज की बात करूं तो 91 और 75 का रिचार्ज इसमें चल जाता है जो पुराने फ़ोन में अवेलेबल था गाइस। तो इसमें से आपको देख सकते हैं सबसे बेस्ट फ़ोन जो हमें लग रहा है इस समय ये वाला आपको जियो का ग्रीन बॉक्स है, और जिसमें अगर मैं बात करूँगा हॉटस्पॉट और वाईफाई की, तो आप देख सकते हैं इसमें वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, ब्लूटूथ मिल जाएगा, डेटा ऑन ऑफ करने का फंक्शन मिल जाएगा और इसमें आपको हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा गाइस। तो फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं। ये पुराने फ़ोन में आपको जो फीचर्स मिलते थे सेम फीचर्स आपको मिलते हैं जियो का ग्रीन बॉक्स में, और ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फ़ोन की कीमत है 1500 रुपये और इसमें आपको अगर रिचार्ज की बात करूँगा तो ऑफ़र फ्री रिचार्ज है, वो आपको अलग से एक्टिवेट कराना होगा गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन आपको अगर बुक करना है तो कैसे बुक करेंगे ये बताता हूँ, कि ये फ़ोन आपको ऑफलाइन में अवेलेबल है गाइस, ऑनलाइन में ये फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको वो हेलो जियो से लेके देख सकते हैं, हेलो जियो है, 2000mAh की बैटरी है, 512 RAM है, VGA कैमरा है, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें हैं। तो ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त था, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन में अवेलेबल है। ऑनलाइन में अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो जियो का भारत फ़ोन अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 1299 रुपये का फ़ोन है, ऑनलाइन अवेलेबल है और 234 के रिचार्ज पे आपको 4 महीने का फ्री ऑफर भी रिचार्ज मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो इनमें से आपको कौन सा फ़ोन सबसे बढ़िया लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना।